मैंने अवार्ड देना है, पहले बोलना है। आदित्य जी बचपन से लेकर मेरी तमन्ना थी कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड बने और शादी होने तक ये संभव नहीं हुआ। शादी तो खैर गर्लफ्रेंड से हुई, लेकिन असल में गर्लफ्रेंड मेरे को 55 साल की उम्र में हुई, जिनका नाम है कैसा नाम है भूषण जी। एक बार मैं चाहता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड की तो जोरदार तालियां बजाएं। ये हम दोनों के रिश्ते में जो पवित्रता है उसी की वजह से हम इनके पति के सामने अपने को बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। ये बहुत ही, और दूसरी बात यह है कि कल्पना जी का जो काम है ना के एक के बगैर चल नहीं सकता। अशोक आदित्य ऐसे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कल्पना में 3 ए हैं, कला में 2 ए हैं और केंद्र में 1 ए है। आप देखिए 1 2 3 1 2 1, तो ये जो महत्वपूर्ण है एक ही, क्योंकि ए से शुरुआत होती है और ए ही आगे लिखा जाता है। ए एडवांसमेंट है, ए अफेक्शन है, ए ये सब चीजें हैं जो उसे आपको लिखी जाती है। इसे जब तक आपके संग ये ए है तब तक हम भी आपके संग हैं। और जिस दिन उन्होंने आके तले नहीं हम गए, बस आप आ गए। जिस दिन अशोक जी कभी आगे से हमारे घर में बताना तो किसी की हिम्मत है कि हम दिखे, तो इसलिए हमें भी ये ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए हमें ज्यादा प्यारे हैं। एक बार मैं चाहूंगा अशोक जी के जोरदार तालियां बजाएं। छोटी सी बात कहूँ, अंजना जी हैं, नीलम जी हैं, पीछे पवन जी बैठे हुए हैं, सब लोग हैं हमारे। सबसे बड़ी बात है वीर विक्रम सिंह जी हमारे बीच में, जो पहले हमारे यहाँ क्या कहते हैं थाना इंचार्ज थे सेक्टर 20 के, अब सीईओ साहब हो गए, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माली जी आदित्य जी की तो खैर बात ही क्या है, छोटा भाई दीपक जी यहाँ बैठे हुए हैं, आकाश सर कैनडा से जो साहब आए हैं, कैनडा में नरेश जी का भी स्वागत है। और पवन जी तो पीछे दो पवन बैठे हुए एक साथ, तो अच्छी बात है दोनों में, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि कल्पना जी ने जिस तरीके से पिछले 7-8 साल में नोएडा में जो अपनी छाप छोड़ी है और नोएडा के अंदर हर एक कार्यक्रम में अगर कल्पना करा कि इनके बच्चे ना हो तो वो अधूरा लगता है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये तभी संभव होता है। एक अच्छा कलाकार होना बहुत अच्छी बात है, उससे बड़ा है अच्छा इंसान होना, जो कि सबसे बड़ी बात कल्पना की। क्योंकि आप अगर इतनी तालियां बज रही है मेरी बात सुनने नहीं आई, आपको बयान नहीं चलता, सब जोरदार ताली। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा आदमी तभी बनता है, अच्छा इंसान तभी होता है जब उसमें आत्मीयता होती है, प्रेम भाव होता है, सामने वाले को मान सम्मान दे के बात करता है, अपने लेवल पे लाके बात करता है। ये कल्पना जी में सबसे बड़ी बात है और इसके लिए मैं इनको शुक्रगुजार हूँ कि मैंने चुना। वैसे तो हम किसी लायक नहीं है, हम जो भी काम कर रहे हैं नवोदय फाउंडेशन के माध्यम से वो केवल ईश्वर हमसे करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अगर ईश्वर चाहता तो हमें कहीं और भेज देता, हमें कुछ और काम करा सकता था, हमें किसी और में हाथ नहीं लगता। लेकिन अगर आज हम बेहतर जगह पे हैं तो ईश्वर की देन है, हमारे सबों की देन है, आप लोगों की देन है कि आप लोगों की शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर देता है। अगर हम लोगों ने 32 जगह पे सिलाई सेंटर खोले हैं तो ये हमारे अंदर पॉसिबल नहीं था कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग खोल पाए। अगर स्कूल चल रहा है छोटा सा, जहाँ 26 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये मैं यही मानता हूँ।